क्या जमीन पर बैठकर आसमान देखता है? क्या जमीन पर बैठकर आसमान देखता है? हौसला कर, पंख खोल, ये जमाना केवल उड़ान देखता है। हेलो बच्चों, फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं रफ्तार बैच में। और मेरे रफ्तार नीट के एस्पिरेंट्स, ये हमारा जो चैप्टर चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसका तीसरा लेक्चर आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों पिछले दो लेक्चर्स में हम लोग मोल के बारे में थोड़ी बहुत बात कर चुके हैं, मोल को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, मोल के बारे में हमारी बातें हो चुकी हैं, और अब धीरे धीरे ये चैप्टर अपने फ्लो को पकड़ेगा। आज के लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं वो हम ये सीखने जा रहे हैं कि मोल से रिलेटेड कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। तो मोल से रिलेटेड जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो हम आज करेंगे। मोल के बेसिकली तीन फॉर्मूले इस चैप्टर में होते हैं, जिसमें से दो मेन फॉर्मूले हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आज हमारा जो टारगेट है बच्चों वो है मोल रिलेटेड कैलकुलेशंस। लेकिन उसे शुरू करने से पहले दो मिनट तुमसे एक बार फिर से बात करते हैं, है ना? दो मिनट की बात करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि यही बातें हैं, ये बातें आपके लिए फ्यूल का काम करेंगी। ये जो बातें मैं आपसे कर रहा हूं, ये बातें आपके लिए फ्यूल का काम करेंगी, और यही फ्यूल आपकी जर्नी को लगातार चलाने में मदद करेगा। क्योंकि दो मिनट का जो मोटिवेशन होता है, ये मोटिवेशन बहुत ज्यादा होता है पूरा एक दिन या दो दिन खींचने के लिए अपनी पढ़ाई को। तो बच्चों पढ़ाई जो है ना, पढ़ाई बिल्कुल सफर की तरह है, इंग्लिश वाला सफर नहीं, हिंदी वाला सफर। पढ़ाई बिल्कुल सफर की तरह है, आप मंजिल पर तभी पहुंचोगे जब आप सही रास्ते पर चलोगे। अगर आप अपना रास्ता भटक गए, कोई भी मोड़ अगर गलत ले लिया, तो मंजिल आपको मिलेगी कुछ ना कुछ तो जरूर, लेकिन वो नहीं मिलेगी जहां जाना चाहते थे। मतलब वही हो जाएगा कि जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना। तो ऐसा ना हो इसके लिए जरूरी है कि आप अपने रास्ते पर अपना कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखें, अपने रास्ते का हर एक स्टेप सही मोड़ पर डालें, अपने रास्ते का हर कदम सही मोड़ पर लें, और इस बात का ध्यान रखें कोई भी डिस्ट्रैक्शन, वो डिस्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकती है, सोशल मीडिया हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, दोस्तनियां हो सकती हैं, है ना, पार्टीज हो सकती हैं, घूमना फिरना हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ये ना सोचे कि अभी हमारे पास बहुत समय है, हमें तो 2023 में नीट देना है, कर लेंगे तैयारी, अभी तो हमारे मस्ती के दिन है, खेलने खाने के दिन है। ये समय कैसे निकल जाएगा और कैसे 2023 आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अभी से तैयारी करने की आदत डालेंगे तब जाके क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत है, बहुत भीड़ है इस देश में, और इस भीड़ में से अपनी जगह बनाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि अभी से अपनी तैयारी को एकदम टॉप नॉच फॉर्म में रखें, क्योंकि अभी से एकदम टॉप नॉच फॉर्म में रखेंगे ना तब जाके नीट क्रैक होगा बढ़िया रैंक के साथ, और आपको आपके मनपसंद का कॉलेज मिलेगा, ठीक है ना? तब आपको आपके मनपसंद का कॉलेज मिलेगा, और जब सब कुछ मन का होगा, जब सब कुछ मन का होगा, तो फिर आगे जो चीजें होंगी ना उन्हें करने में मजा भी बहुत आएगा। तो इसलिए अभी का समय पढ़ाई का है, अभी का समय जो है वो स्टडीज का है, तो स्टडीज पर फोकस करें। प्यार मोहब्बत धोखा है, कर लो पढ़ाई अभी मौका है। इसी बात के साथ आज का लेक्चर शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं मोल रिलेटेड कैलकुलेशंस। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो कहानी है मोल तक पहुंच चुकी है, हम पूरी रफ्तार में मोल तक आ चुके हैं, और कल मैंने आपको मोल की परिभाषा, मोल की डेफिनेशन बताई थी, मोल के बारे में बताया था थोड़ा सा मैंने आपको। मैंने आपको ये बताया था कि एक मोल एटम्स के या मॉलिक्यूल्स के उस सेट को कहते हैं जिसमें 6.022 × 10²³ नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है? या फिर मैंने आपसे कहा था कि वेट ऑफ वन मोल एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। जो एक एटम या एक मॉलिक्यूल का ग्राम या आरएमएम होगा उसके एक मोल का मास इक्वल होगा, बस अंतर क्या होगी, वैल्यू जो होगी वो ग्राम में दी जाएगी। द ओनली डिफरेंस विल बी कि जो वैल्यू होगी उसके वैल्यू का मैग्नीट्यूड सेम होगा, यूनिट जो होगी वो ग्राम में होगी।
इसके लिए हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे, जैसे मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम इज 23 AMU, या फिर सिंपली 23, राम तो यूनिटलेस होता है, आप सिंपली 23 भी लिख सकते हैं। या अगर मैं आपसे कहूं कि मास ऑफ वन मोल एटम ऑफ सोडियम, तो वो आ गया 23 grams, वो आ गया कितना, 23 grams। तो जैसे ही एक मोल लग जाएगा तो एक मोल के मास का मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा, केवल जो यूनिट होगी वो एएमयू से ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी। ये चीज एटम्स पर भी लागू होती है और मॉलिक्यूल्स पर भी लागू होती है। सिंपली आप मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो बोलेंगे मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 ये होता है 44 AMU, कल हमने निकाला था 44 AMU। और अगर मैं आपसे कह दूंगा मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, वो आएगा निकल के 44 ग्राम। ये कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना। आज हम लोग इसी से आगे की बातें करने जा रहे हैं, आज की कहानी इन्हीं बातों से आगे ही चलेगी, ठीक है, इन्हीं बातों से आगे की तरफ चलेगी और इन्हीं बातों को हम लोग यूज करेंगे। तो इसका मतलब हमने एटम और मॉलिक्यूल्स के लिए अब तीन तरह के मास सीख लिए, कल के लेक्चर से लेके आज तक। कल के लेक्चर में हमने जो सीखा था उसको आज मैं समराइज एक बार कर देता हूं, ताकि उसको समराइज करके फिर हम आगे बढ़ सकें। मैंने सीखा फॉर एटम्स, एटम्स की यदि बात करें तो एटम्स के केस में तीन तरह के मास पॉसिबल होते हैं। इफ आई टॉक अबाउट एटम्स, तो देर आर 3 types ऑफ मासेस। कौन कौन से हैं वो 3 types के मासेस? फर्स्ट इज राम, सेकेंड इज आम एंड थर्ड इज गाम। राम, आम और गाम। राम क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास, मास ऑफ वन एटम रिलेटिव टू 1/12 ऑफ C12 एटम। और इसका वैल्यू कितना निकल के आता है? इसका वैल्यू निकल के आता है मास नंबर के बराबर, मास नंबर के बराबर, ठीक है। आम क्या होता है? आम होता है मास ऑफ वन एटम इन ग्राम, इसका वैल्यू निकल के आता है राम में मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम्स। डन है, ये हो गया था। नेक्स्ट है ग्राम। ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। क्या बात हुई थी? ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ वन मोल एटम्स इन ग्राम, मास ऑफ वन मोल एटम्स इन ग्राम। इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? मैग्नीट्यूड राम का और इन ग्राम, बस। इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? मैग्नीट्यूड राम का, यूनिट ग्राम। मैग्नीट्यूड राम का लगेगा, यूनिट होगी ग्राम, ठीक है बच्चों। ये बात हमारी कल के लेक्चर में हो चुकी थी, कल के लेक्चर में ये तीन चीजें मैंने आपको समझा दी थी, ग्राम एटॉमिक मास। अच्छा, एक बात और बता दूं आपको, एक मोल एटम्स को कई बार प्यार से 1 ग्राम एटम्स भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो 1 मोल एटम्स और 1 ग्राम एटम्स एक ही बात है, तो कहीं पर अगर 1 ग्राम एटम दिया हो तो घबरा मत जाना, डर मत जाना, फैल मत जाना कि ये क्या चीज है। 1 मोल एटम और 1 ग्राम एटम एक ही बात होता है, ठीक है। तो मैं 1 मोल एटम का मास बोलूं या 1 ग्राम एटम का मास बोलूं, वो एक ही बात है। तो अगर मैं लिख दूंगा मास ऑफ 1 मोल एटम्स इन ग्राम या मास ऑफ 1 ग्राम एटम्स इन ग्राम, तो मैं एक ही चीज को डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। ऐसे ही हमने मॉलिक्यूल्स के लिए क्या सीख लिया था?
इसी चीज को अगर मैं मॉलिक्यूल्स के लिए लिखूंगा तो मॉलिक्यूल्स के लिए भी इसी तरह से तीन मास हो जाएंगे। कौन कौन से होंगे वो तीन मास? सबसे पहले होगा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, इसे बोलेंगे आरएमएम। जैसे एटम का मास होता है ऐसी आरएमएम होता है मॉलिक्यूल के लिए। ये क्या होता है? सिग्मा ऑफ राम ऑफ ऑल एटम्स। जितने भी एटम किसी मॉलिक्यूल में है उनके राम को जोड़ दीजिए, आपको रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। इसका एक क्वेश्चन हमने कल किया भी था, ठीक है। फिर होता है एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास, एएमएम। इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? इसकी वैल्यू होती है आरएमएम इंटू 1.67 इंटू 10^-24 ग्राम। ये क्या होता है एएमएम? जैसे एक्चुअल एटॉमिक मास आम होता है एक एटम का मास ग्राम में, ये होता है एक मॉलिक्यूल का मास ग्राम में। किसका मास? एक मॉलिक्यूल का मास ग्राम में, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन ग्राम। और जैसे एक मोल के लिए हमने ग्राम एटॉमिक मास डिफाइन किया था, वैसे ही हम यहां डिफाइन कर देंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जीएमएम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM। वो क्या होगा बेटे? RMM का मैग्नीट्यूड, RMM का मैग्नीट्यूड यूनिट लगा देंगे ग्राम में, ठीक है ना, यूनिट लगा देंगे ग्राम में। और ये है क्या? ये है बच्चों मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल्स इन ग्राम। जैसे एक मॉलिक्यूल, एक मोल मॉलिक्यूल को एक ग्राम मॉलिक्यूल बोल देते हैं, ऐसे ही एक मोल मॉलिक्यूल को, जैसे हम लोग एक मोल एटम को एक ग्राम एटम बोल देते हैं, ऐसे ही इसे एक ग्राम मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो कहीं पर अगर एक ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हो मतलब हम एक मोल मॉलिक्यूल की ही बात कर रहे हैं। क्लियर है? इन सारी बातों को क्लियर करते हुए दो छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, और आज के लेक्चर में केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन हमें करने हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं। ओके हाँ जी, क्वेश्चन से याद आया, लेक्चर नंबर वन के क्वेश्चन में जो टू एटमॉस्फेरिक वाला क्वेश्चन था उसमें 152 सेंटीमीटर की जगह गलती से मैंने 152 मिलीमीटर टिक कर दिया था। तो इतना चलता है, तुम्हें समझ में आ गया, तुम इतने होशियार हो कि तुम्हें यह बात पता लग गई, तुम्हें पता है कि सही आंसर क्या आएगा, तो एक तरह से तुम्हारी समझदारी वेरीफाई हो गई, ठीक है ना, तुम्हारी समझदारी वेरीफाई हो गई। और बाकी छोटी मोटी ह्यूमनॉइड एरर्स जो है वो होती रहती, ठीक है, गलती हो जाती है ना। तो और कई बार ऐसी गलतियां मैं जानबूझ के भी करूंगा क्वेश्चंस में, हालांकि वो मैं सही भी कर दूंगा, लेकिन तुम्हें चेक करने के लिए, तुम्हें जानने के लिए कि तुम सुन भी रहे हो, लेक्चर देख भी रहे हो। जिन बच्चों ने लेक्चर ध्यान से देखा उन्होंने एक और गलती पकड़ी, बड़ी मजेदार गलती थी। उन्होंने क्या गलती पकड़ी? कॉन्सेप्ट की स्पेलिंग गलत थी, हालांकि वो एडिटिंग मैंने नहीं करी थी। कॉन्सेप्ट की स्पेलिंग में CONSEPT था। कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है ना। अंग्रेजी शब्द समझ में आना चाहिए बस, है ना। इंग्लिश इज ए वेरी फनी लैंग्वेज, समझ में आना चाहिए, बाकी सब तो सही है ना। कौन सा हमें इंग्लिश में PhD करनी है। आज बात करते हैं क्वेश्चन की, छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन करेंगे और इन क्वेश्चंस के थ्रू आज मोल को समझेंगे। तो आज के लेक्चर में केवल क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और कुछ नहीं करेंगे, आज केवल क्वेश्चंस करेंगे। अल्टीमेटली आज काम केवल क्वेश्चंस का है। दो छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं पहले। फाइंड राम, आम एंड गाम ऑफ, कोई भी एक एलिमेंट पकड़ लो, कोई भी एक एलिमेंट पकड़ लो। फाइंड राम, आम एंड गाम ऑफ व्हाट? फाइंड राम, आम एंड गाम ऑफ,
लेट अस से हम पकड़ लेते हैं, फाइंड राम आम एंड गाम ऑफ मैग्नीशियम कर लेते हैं। चलिए मैग्नीशियम के लिए निकालते हैं, राम निकालना है, आम निकालना है और गाम निकालना है। किसका निकालना है? मैग्नीशियम का निकालना है। आइए निकाले, सॉल्व करते हैं इसे। राम की वैल्यू होती है बच्चों मास नंबर के बराबर, और मैग्नीशियम का मास नंबर कितना होता है बच्चों? 24। तो राम तो निकल आया 24 लिखो या 24 AMU लिखो या 24 U लिखो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, ए पार्ट हो गया। बी पार्ट आम, आम क्या होता है? राम इंटू 1.67 × 10⁻²⁴ हो गया 24, 1.67 − 24 ग्राम, ये आम निकल आया। क्या निकल आया? ये आम निकल आया। ठीक है, अब आओ गाम पे। गाम मतलब ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास का मैग्नीट्यूड कितना होता है? राम के बराबर, और यूनिट क्या होती है? ग्राम। बस 24 ग्राम सॉल्व हो गया। तो जो तीनों चीजें बताई थी उन्हें मैंने अप्लाई कर दिया, राम आम और गाम। तीनों चीजें जो बताई थी उन्हें मैंने अप्लाई कर दिया, राम आम और गाम। सिंपल है। इसी तरीके से तो ये गाम निकल आया, ये राम निकल आया। इसी तरीके से सेम चीज को लगाते हैं, सेम फॉर्मूला, सेम मतलब जो कहानी है वो एक मॉलिक्यूल पर लगा के देखते हैं। फाइंड आउट राम आम एंड गाम फॉर C6H12O6। राम आम और गाम निकालना है, निकाल ही नहीं सकते हैं भाई साहब राम आम और गाम। फाइंड आउट रिलेटिव मॉलिकुलर मास, एक्चुअल मॉलिकुलर मास एंड ग्राम मॉलिकुलर मास फॉर अमोनिया। अमोनिया के लिए निकालते हैं। चलिए C6H12O6 भी निकाल सकते हैं, वो तो सारी बातें सेम ही है, हम अपन अमोनिया के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है ना, सब कुछ सेम ही है, कॉन्सेप्ट पकड़िए बस। अल्टीमेटली केवल कॉन्सेप्ट को पकड़िए, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया उसके बाद आप क्वेश्चन क्रैक कर लेंगे। आप अमोनिया के लिए सॉल्व करें, ग्लूकोज के लिए सॉल्व करें, सुक्रोज के लिए सॉल्व करें, उससे फर्क नहीं पड़ता। कॉन्सेप्ट आपको पकड़ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन का। एक बार कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया फिर जिंदगी में कोई टेंशन ही नहीं है, फिर तो आप किसी भी मॉलिक्यूल के लिए क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले निकालते हैं इसका रिलेटिव मॉलिकुलर मास। रिलेटिव मॉलिकुलर मास वो होता है सारे एलिमेंट्स के राम का सम। इसमें एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का राम होता है 14 यानी मास नंबर। तीन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास नंबर होता है 1, तो 3 × 1 ये आ गया 17। इसे AMU भी बोल सकते हैं, 17U भी बोल सकते हैं, सिंपली 17 भी बोल सकते हैं, जो अच्छा लगे वो यूज करो। ठीक है, दूसरा एक्चुअल मोलेक्युलर मास राम, सॉरी RMM इंटू 1.67 × 10⁻²। ठीक है, फिर आओ ग्राम मॉलिक्यूलर मास। राम का मैग्नीट्यूड यूनिट लगा दो ग्राम, राम का मैग्नीट्यूड यूनिट लगा दो ग्राम, 17 ग्राम। तीनों पार्ट हमारे सॉल्व हो गए, इस तरह से हमने तीनों पार्ट्स को निपटा दिया। ऑल द थ्री पार्ट्स हैव बीन सॉल्व। ठीक है ना, तो ऐसे इस तरीके से हमने जो बातें बताई वो हम लोग अप्लाई कर ले गए इनके ऊपर। ठीक है, और क्वेश्चंस देखते हैं छोटे छोटे। फाइंड आउट नंबर ऑफ AL एटम्स इन 216 AMU एल्यूमिनियम। 216 AMU एल्यूमिनियम में हमें एल्यूमिनियम एटम्स निकालने हैं कि 216 AMU एल्यूमिनियम में कितने एटम्स होंगे, 216 AMU में कितने एटम्स होंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन से मैं एक फॉर्मूला बनाऊंगा,
इस क्वेश्चन से मिलता जुलता एक फॉर्मूला मैं मोल के लिए बनाऊंगा, पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है। फाइंड आउट नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स इन 216 AMU एल्यूमिनियम, ठीक है। आपके पास 216 AMU एल्यूमिनियम है, आपको उसमें एटम्स निकालने हैं, ठीक है। देखिए मास ऑफ वन एटम ऑफ एल्यूमिनियम कितना होगा, 27 AMU। मास ऑफ वन एटम ऑफ एल्यूमिनियम कितना होगा बच्चों, 27 AMU होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, कोई समस्या की बात ही नहीं है ना। तो इसका मतलब 27 AMU एल्यूमिनियम अगर है, 27 AMU अगर एल्यूमिनियम है, 27 AMU अगर एल्यूमिनियम है, तो इसका मतलब है एक एटम है एल्यूमिनियम का। मेरे पास अगर 27 AMU एल्यूमिनियम रखा है तो मतलब मेरे पास एक एटम है एल्यूमिनियम का, ठीक है। एक AMU एल्यूमिनियम होता तो मेरे पास होता 1/27 एटम, और एक्चुअली कितने एल्यूमिनियम है मेरे पास, 216 AMU, तो 216/27 ये आएगा 8 एटम ऑफ एल्यूमिनियम, 8 एटम ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, 8 एटम ऑफ एल्यूमिनियम, क्लियर है। अभी हम एटम एटम खेल रहे हैं क्योंकि अभी हम एमयू में चल रहे हैं, एटम एटम मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल खेल रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या खेल रहे हैं, एटम एटम मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल खेल रहे हैं। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, केवल आपको बेसिक पकड़ना है अभी कि हम कर क्या रहे हैं, बेसिक प्रोसेस आपको पकड़नी है, ठीक है ना। बाद में इन्हीं जैसे क्वेश्चनों से मिलते जुलते मैं क्या बनाऊंगा, फॉर्मूले बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, फॉर्मूले बनाऊंगा, और फिर हम मोल मोल खेलना शुरू करेंगे। क्या खेलना शुरू करेंगे, मोल मोल खेलना शुरू करेंगे, ठीक है। तो मोल मोल भी खेलेंगे हम लोग, पहले अपन लोग एटम और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल खेल रहे हैं, एटम एटम और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल खेलते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड आउट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन, फाइंड आउट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 34 AMU अमोनिया, 34 AMU अमोनिया में आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकालने हैं। 34 AMU अमोनिया में आपको क्या निकालने हैं, हाइड्रोजन एटम्स की संख्या निकालनी, कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे। देखिए एक मॉलिक्यूल अमोनिया में कितने एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के, एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया में कितने एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के, 3 एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के, 3 एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के, हाँ कि ना, 3 एटम्स होते हैं ना हाइड्रोजन के, पक्की बात है, अरे श्योर पक्की बात है कि 3 एटम्स होते हैं अमोनिया के, डन है। एक मॉलिक्यूल अमोनिया में 3 एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहा है, हमसे तो वेट की बात कर रहा है वो, उसने हमें अमोनिया का वेट दे रखा है। हम जानते हैं अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, अभी थोड़ी देर पहले निकाल के आए कितना, अभी दो क्वेश्चन पहले तो निकाला है 17 AMU, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया है 17 AMU, हाँ कि ना। तो बच्चों ये बताओ 17 AMU अमोनिया में 3 एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के, मानते हो मेरी बात, अरे मानते हो कि नहीं मानते, मानते हो ना, 17 AMU अमोनिया में 3 एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के, तो 34 AMU में कितने होंगे खुद बताओ, 3 × 34/17, 6 एटम ऑफ हाइड्रोजन। ये लो, मैंने तुमसे पहले लेक्चर में भी कहा था, दूसरे में भी कहा था, फिर कह रहा हूं मोल कुछ नहीं है, केवल 5वीं 6ठी क्लास में जो यूनिटरी मेथड सीखे थे वो है, कुछ भी नहीं है मोल के अंदर, केवल यूनिटरी मेथड्स को अप्लाई करना आना चाहिए। अगर आपको यूनिटरी मेथड आता है तो आप मोल के क्वेश्चन फटाफट बनाते चले जाएंगे, कोई टेंशन ही नहीं है जिंदगी में। देख लीजिए किसी भी क्वेश्चन में कोई हाईफाई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, बिल्कुल सीधी सीधी गणित लग रही है, बिल्कुल सीधा सीधा, 17 AMU में 3 एटम, 34 AMU में कितने एटम, निकाल लो, सिंपल।
है ना? सिंपल एग्जाम्पल, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है ये, हाँ कि नहीं? तो अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, हल्का सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करेंगे, हल्का सा। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज विल कंटेन 36 AMU हाइड्रोजन। इस बार मैंने क्वेश्चन को उल्टा कर दिया, इस बार क्वेश्चन को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, पलटा दिया क्वेश्चन को। पिछली बार क्या था, पिछली बार मैंने मॉलिक्यूल का मास दिया था, एटम्स पूछे थे, इस बार एटम का मास दे दिया कि ये वाला एटम कितने एएमयू है, कितने मॉलिक्यूल्स में होगा, इस बार उल्टा पूछ लिया। कोई बात नहीं, हम डरते थोड़ा किसी से, कर लेंगे, टेंशन क्या है, है ना? डरने की बात नहीं है, ये नहीं क्वेश्चन दे जा रही, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है भाई, डरना नहीं है, धक धक नहीं करनी, आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, एक मॉलिक्यूल C6H12O6 में, एक मॉलिक्यूल C6H12O6 में कितने एटम्स है, 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है। अगर इन 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन को मास में लिखना चाहूं तो 12 एटम्स, एक का मास होता है 1 AMU, एक का मास होता है 1 AMU, यह आ जाएगा निकल के 12 AMU हाइड्रोजन है, हाँ कि ना? 12 AMU हाइड्रोजन है, हाँ कि ना? कोई समस्या किसी को? अरे कोई समस्या क्या, कोई समस्या नहीं, ठीक है, कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 12 AMU हाइड्रोजन है, कोई टेंशन की बात ही नहीं जिंदगी में, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज में 12 AMU हाइड्रोजन है, 12 AMU हाइड्रोजन है। तो देखो बच्चों, 12 AMU हाइड्रोजन है एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज में, यही तो चाहिए था हमें, हाइड्रोजन का वेट और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में रिलेशन मिल गया, हाइड्रोजन का वेट और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में रिलेशन मिल गया। देखो, 12 AMU हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज में है, 1 AMU कितने में होंगे, 1/12 में, और 36 AMU कितने में होंगे, 36/12 में, कितना आ गया ये, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में। तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में 36 AMU हाइड्रोजन मौजूद होगी, देख लो ध्यान से भैया। जिन लोगों को डर लगता है मोल कॉन्सेप्ट से, देख लो, जिन लोगों को दहशत लगती है मोल कॉन्सेप्ट से, कि मोल कॉन्सेप्ट बड़ी भारी चीज है, बड़ी बड़ी तोप चीज है, देख लो क्या है, दो दो लाइनों का क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। सर अभी तो आप मोल में आई कहां, अभी तो आप एटम एटम खेल रहे हो, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल खेल रहे हो, मोल में तो आओ सर फिर देखेंगे, चलो मोल में चलते हैं, आ जाओ, आओ मोल में चलते हैं। मैंने तुम्हें मोल की कितनी डेफिनेशन बताई है, दो, उन डेफिनेशन से दो फॉर्मूले बताता हूं, उन डेफिनेशन से दो फॉर्मूले बताता हूं, सस्ते सुंदर मजबूत टिकाऊ फॉर्मूले हैं। मोल बराबर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, अपॉन एवोगाड्रो नंबर। मोल का एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, ठीक है ना? ये कहां से आया फॉर्मूला, ये कहां से आया फॉर्मूला भाई? मान लो मुझे कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं, उसमें मुझे क्या निकालना है, मोल निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, लिख दूंगा नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, 6.022 × 10³। ये फॉर्मूला पहला फॉर्मूला है, कहां से आया, सिंपली यूनिटरी मेथड से आया, कहां से आया, सिंपल यूनिटरी मेथड से आया, कहीं से नहीं लाए, सिंपल यूनिटरी मेथड से लाए। देखो, एक्स पार्टिकल दिए, ठीक है, मुझे एक्स पार्टिकल दिए, मोल निकालने,
एक्स पार्टिकल दिए मोल निकालने, मुझे क्या दिया उसने कि मेरे पास एक्स एटम्स हैं, इनमें कितने मोल होंगे, तो मुझे पता है एन ए एटम्स में एक मोल, एक एटम में एक बाई एन ए, एक्स एटम्स में एक्स बाई एन ए। एक्स क्या था, नंबर ऑफ एटम्स जो गिवन थे, एन ए क्या है अवोगाद्रो नंबर, ये क्या है मोल, यही तो फॉर्मूला बना के लिख दिया, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन 6.022 × 10^23। तो पहला फॉर्मूला तो ये होता है, पहला फॉर्मूला ये होता है, अगर किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम्स दिए हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हो और मोल निकलवा रहा है तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, नंबर ऑफ एटम दिए हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए हो, मोल निकलवा रहा है तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। दूसरा फॉर्मूला यूज करोगे नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन वेट, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट, सॉरी गिवन वेट अपॉन मोलर मास, मोलर मास, ये गिवन वेट होना चाहिए ग्राम में, अगर तुम्हें ग्राम में वेट दिया है उसे मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो भी तुम्हें मोल मिल जाएंगे, उसे मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो भी तुम्हें मोल मिल जाएंगे। ये फॉर्मूला कहां से आया, ये भी यूनिटरी मेथड से आया। मान लो मेरे को किसी सब्सटेंस का डब्ल्यू ग्राम दिया हुआ है, मेरे को किसी सब्सटेंस का डब्ल्यू ग्राम दिया हुआ है और इस सब्सटेंस का जो मोलर मास है ना वो है एम, मोलर मास है एम, तो डब्ल्यू ग्राम में मोल निकाल लें, एम ग्राम कितने का मास होगा, एम ग्राम कितने सब्सटेंस का मास होगा, एक मोल का, एक ग्राम कितने का मास होगा, वन अपॉन एम मोल का, तो डब्ल्यू ग्राम में कितने मोल निकल आएंगे, डब्ल्यू बाई एम मोल, डब्ल्यू इज गिवन वेट, एम इज द मोलर मास। तो ये फॉर्मूला बना दिया मैंने गिवन वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, ये फॉर्मूले तुम सीधे सीधे लगा सकते हो, ये फॉर्मूले सीधे सीधे लगा सकते हो, कहीं पर भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं उनसे नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, पहला वाला लगाओ, कहीं पर भी अगर वेट दिया है, कहीं पर भी अगर क्या दिया है वेट दिया है और उससे मोल निकालने हैं तो मोलर मास से डिवाइड कर दो, क्या कर दो, मोलर मास से डिवाइड कर दो, क्लियर है। ये दो फॉर्मूले यूज करेंगे हम लोग अब आगे के क्वेश्चनों में, अब हम लोग मोल मोल खेलने जा रहे हैं, क्या खेलने जा रहे हैं, मोल मोल। अब जितने भी क्वेश्चन आगे मैं सॉल्व करवाऊंगा, जितने भी क्वेश्चन अब मैं आप तुम लोगों को सॉल्व करवाऊंगा, उन सारे ही क्वेश्चंस में तुम ये देखोगे, उन सारे ही क्वेश्चंस में तुम ये देखोगे कि हमें एट एनी जंक्चर मोल निकालने पड़ेंगे, कुछ भी पूछा हो लेकिन हमें मोल के थ्रू जाना है। तो अब तुम ये समझ लो मोल कॉन्सेप्ट के जितने भी क्वेश्चन अब तुम करने जा रहे हो उन सारे क्वेश्चन में मोल निकालने कंपलसरी है, बिना मोल निकाले काम चलेगा ही नहीं, बिना मोल निकाले काम चलने वाला है ही नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मोल निकालने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं बच्चे, मोल निकालने जा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पकड़ते हैं, चलो पीले से लिखते हैं अच्छा लगेगा, थोड़ा कलरफुल बनाते हैं नोट्स को ना। फाइंड आउट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन वन एटम, फाइंड आउट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन वन एटम, मतलब एक एटम में कितने मोल होते हैं, एक एटम में कितने मोल होते हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मतलब मोल निकाल लें, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मतलब क्या निकाल लें, हमें मोल निकाल लें, हां कि ना, तो हमें मोल निकाल लें और कितने में निकाल लें, एक एटम में निकाल लें, हमें क्या दिया है एटम, एटम क्या है वेट है पार्टिकल है, पार्टिकल है सर, वेट है कि पार्टिकल है, पार्टिकल है सर, और जब पार्टिकल होता है हमारे पास तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला पहला वाला, तो कर लो मोल बराबर क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन अवोगाद्रो नंबर, यही तो होता है बच्चों, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन अवोगाद्रो नंबर, कोई समस्या बच्चों,
एक एटम दिया है अपॉन अवोगाड्रो नंबर, ये लो आ गया आंसर वन अपॉन एने मोल, वन अपॉन एने मोल, वन अपॉन एने मोल आ गया। एक एटम में कितने मोल होंगे बच्चों? वन अपॉन एने मोल होंगे। कोई समस्या किसी को? वन अपॉन एने मोल होंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर है। चलिए एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। द डॉट एट द एंड ऑफ एनी सेंटेंस हैज वेट वन, हैज वन नैनोग्राम वेट, हैज वन नैनोग्राम वेट इफ द मटीरियल ऑफ डॉट इस कार्बन फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स required to make one such dot. Sentence के end में जो dot लगाए ना, ये dot का weight दे रखा है तुम्हें 1 nanogram। वो कह रहा है जिस material से ये dot बना है, ये material मान लो carbon है, तो बताओ कार्बन के कितने एटम लग जाएंगे इस डॉट को बनाने के लिए? कार्बन के कितने एटम्स लग जाएंगे इस डॉट को बनाने के लिए, ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन विल बी कंज्यूम्ड टू मेक वन सच डॉट। तो देखो एक बार यहां आ जाओ दोबारा से। इस क्वेश्चन में उसने तुमसे क्या किया है? वेट दिया है और एटम्स पूछे। एक बार आ जाओ यहां पे, एक बार आ जाओ यहां पे, ठीक है? देखो तीन बक्से बनाते हैं, बक्सा नंबर एक, बक्सा नंबर दो और बक्सा नंबर तीन, ठीक है ना? यहां लिखता हूं मैं गिवन वेट, ओके। यहां लिखता हूं नंबर्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, और यहां लिखता हूं मैं मोल, ठीक है? अगर तुम्हें नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं, अगर तुम्हें नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं और मोल निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं और मोल निकालने हैं, क्या करोगे? नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं और मोल निकालने हैं, क्या करोगे? अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करोगे, ठीक है ना? और अगर मोल दिए हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो क्या करोगे? तो उल्टा करेंगे, अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इधर ले जाओ, मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर बराबर नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, आया ना? सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है सर। ऐसे ही अगर तुम्हें मान लो वेट दिया और वेट से मोल निकाल लें, वेट से मोल बना, वेट से क्या बनाना है? मोल बनाना है। तो वेट से मोल कैसे बनेगा? मोलर मास से डिवाइड करेंगे, ठीक है? और बेटा अगर मोल दिए हैं, वेट बनाना है, सत्यानाश इसका, मोल दिए हैं वेट बनाना है, तो इस वाले फॉर्मूले से वेट कैसे निकालोगे? इसी को इधर लेके जा, मोल में मल्टीप्लाई कर दो, मोल में मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास का, मोल में किसका मल्टीप्लाई कर दो? मोलर मास का। ये कहानी बैठ गई, ये आपकी कहानी बैठ गई। अब देखो वो वेट देके एटम पूछ ले, एटम देके वेट पूछ ले,
कहानी मोल से होकर जाएगी, जो दिया होगा उससे मोल निकालना और फिर मोल से जो पूछा है वो बना लेना। जैसे वेट देके उसने एटम पूछे, वेट देके एटम पूछे तो वेट से पहले मोल बनाओ और फिर मोल से एटम निकाल लो, तुम्हें आता है। एटम देके वेट पूछे, एटम से पहले मोल बनाओ, आता है। मोल से वेट बनाओ, आता है। कोई समस्या? कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई दहशत वाली बात? कोई नहीं ना, डरने की बात ही नहीं है यार, बिल्कुल सीधा सीधा चल रहे हैं और ऐसे ही सीधे सीधे चलेंगे पूरे चैप्टर में। बड़े प्यार प्यार से निकल जाएगा पूरा चैप्टर, ये तुम्हें हवा भी नहीं लगेगी कब हो गया। जो पूछा है उससे मोल बना, जो निकालना है उसके बाद उसको निकाल लो, सिंपल सी बात है। आओ देखो, उसने तुम्हें वेट ऑफ डॉट दिया है, वेट ऑफ कार्बन डॉट कितना है ये नैनोग्राम, 1 × 10⁻¹⁹ ग्राम, हां कि ना, हां कि ना, वेट ऑफ कार्बन डॉट ये। तो तुम सबसे पहले निकालोगे मोल ऑफ कार्बन इन द डॉट, वेट अपॉन मोलर मास। कार्बन का मोलर मास कितना होता है बच्चों? 12। ये आ गए मोल कार्बन के, लेकिन उसने तुमसे मोल तो पूछे नहीं है, उसने तो एटम्स पूछे हैं। तो एटम्स कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मोल से एटम कैसे बनाते हैं? मोल से एटम कैसे बनाते हैं? एवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। कर दो जी, 1 × 10⁻¹⁹ अपॉन 12। एवोगाड्रो नंबर कैलकुलेशन की आसानी के लिए 6 × 10⁻²³ ले लो, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, अच्छा लगेगा। तो यह आएगा 0.5 × 10⁻¹⁴ या फिर 5 × 10⁻³ एटम्स ऑफ कार्बन। वेट दिया था, वेट से मोल बनाए, मोल से एटम्स बना दिए। तो ये फ्लो डायग्राम याद रखोगे तो फंसने का सवाल ही नहीं पैदा होता, कहीं नहीं फंस सकते। फंसने का सवाल ही नहीं पैदा होता, कहीं नहीं फंस सकते, ठीक है ना। तो बस इतना अगर याद रख पाओगे तो कोई समस्या ही नहीं होगी, इतना याद रख लोगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली है ना। चलिए जी, एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी जो आप करने जा रहे हैं। फाइंड आउट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 64 ग्राम ऑक्सीजन। फाइंड आउट ग्राम ऑक्सीजन। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये भी, आसान सा क्वेश्चन है बड़ा प्यारा। इस क्वेश्चन में एक हल्का सा पॉइंट तुम्हें बताना है, छोटा सा पॉइंट है, बड़ा प्यारा पॉइंट है, जो मतलब बड़ा अच्छा पॉइंट है, लेकिन उसे अगर कंसीडर ना करो तो क्वेश्चन गलत भी करा देता है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 64 ग्राम ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की दो फॉर्म्स होती हैं, एक तो होती है एटॉमिक ऑक्सीजन और एक होती है O2। तो ये जो ऑक्सीजन हमें कह रहा है, ये कौन सी ऑक्सीजन की बात कर रहा है? ये कौन सी ऑक्सीजन की बात कर रहा है? ये हमसे ये तो कह ही नहीं रहा कि ऑक्सीजन एटम्स के O के मोल ये 64 ग्राम O है या 64 ग्राम O2 है, ये तो कह ही नहीं रहा कि 64 ग्राम ऑक्सीजन के एटम्स लेने हैं, 64 ग्राम ऑक्सीजन के मोल्स लेने, मॉलिक्यूल्स लेने। ये लफड़ा गैसों में बहुत होता है, सारी गैसों में होता है। ये कहानी केवल ऑक्सीजन की नहीं है, नाइट्रोजन की भी यही कहानी है, क्लोरीन की भी यही कहानी, सबकी यही कहानी, सबके सब में ये लफड़ा है। तो इसमें एक पॉइंट का ध्यान रखना, नोट, इफ नथिंग इज मेंशन, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं करेगा, इन क्वेश्चन वी टेक मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ गैस। अगर वो क्वेश्चन में आपको नहीं बताएगा कि आपको ऑक्सीजन के एटम्स लेने हैं या ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स लेने हैं,
तो उस केस में आप लोग क्या करेंगे, उस केस में आप लोग मॉलिक्यूलर फॉर्म को लेके चलेंगे, एटॉमिक फॉर्म को लेके नहीं चलेंगे। मतलब ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन ओ नहीं है, ओ टू है। क्या है? ओ टू है। तो सिंस उसने क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया है तो आप ये मान के चलेंगे कि ये ओ टू है, ठीक है ना। ओ टू में निकालने हैं आपको नंबर ऑफ एटम्स, क्या निकालने हैं ओ टू में। अगेन अगेन क्वेश्चन में हल्का सा गेम हो गया, हल्का सा गेम कर दिया क्वेश्चन में। क्या गेम है? सबसे पहले तो निकालिए मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गिवन वेट अपॉन ऑक्सीजन का मोलर मास कितना रखेंगे यहां पर, ओ है कि ओ टू है? ओ टू है। तो मोलर मास ऑफ ओ कितना होता है? 16 ग्राम होता है। अगर ये ओ एटम होता 16 ग्राम होता, लेकिन यहां पर तो ओ टू है ना, तो ये होगा 32 ग्राम, तो ये होगा 32 ग्राम, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। तो 64/32 ये हो गया 2 मोल, मोल आ गए, मोल आ गए। लेकिन ये मोल किसके हैं? O2 के मोल है, O2 के मोल है। मोल से पार्टिकल निकाल सकते हैं? हाँ सर, आते हैं ना हमें निकालने। अगर हमें मोल दिए हो तो क्या हम पार्टिकल्स निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना सर। अब ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो इससे जो पार्टिकल निकलेंगे वो एटम्स निकलेंगे या मॉलिक्यूल्स निकलेंगे? सर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, एनए से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2NA मॉलिक्यूल्स आ गए। मोल्स हमारे पास थे, एनए से मल्टीप्लाई कर दिया, मॉलिक्यूल्स आ गए 2NA, हाँ कि ना। मोल्स हमारे पास थे, मॉलिक्यूल्स आ गए। लेकिन उसने हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है? उसने हमसे पूछा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालो, मॉलिक्यूल्स नहीं निकलवा रहा है, एटम्स निकलवा रहा है। एटम्स कैसे निकालेंगे? एक मॉलिक्यूल ऑफ O2 में 2 O के एटम्स होते हैं, हाँ या ना? एक मॉलिक्यूल ऑफ O2 में 2 O के एटम्स होते हैं, तो 2NA मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे बच्चों? 2 × 2NA, 4 आना एटम्स, कितने एटम्स? 4 आना, आ गया एटम्स निकल के, 4 आना। क्वेश्चन में केवल दो चीजें समझने वाली हैं। पहली बात कि हम गैस की मॉलिक्यूलर फॉर्म लेते हैं, अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो, वो सिंपली लेके छोड़ दे ऑक्सीजन है तो आप फिर उसे O2 मान के चलेंगे, नाइट्रोजन है तो N2 मान के चलेंगे, हाइड्रोजन है तो H2 मान के चलेंगे। केवल लिख के छोड़ दिया उसने कि हाइड्रोजन है ना, केवल क्वेश्चन में कई बार हाइड्रोजन लिखा है, तो इसका मतलब वो गैस की बात अगर कर रहा है, अगर वो गैसियस फॉर्म में बात कर रहा है कि हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, मतलब मैं और क्लैरिफाई कर देता हूं इस चीज को। अगर ये क्वेश्चन में ऐसे लिखा है 64 ग्राम ऑक्सीजन गैस, तो अगर ऑक्सीजन गैस है तो इसका मतलब वो O2 है ना, वो O2 है। अनलेस वो तुमसे कुछ कह नहीं रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्म ही उसकी गैसियस फॉर्म होती है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही वो गैस तुम्हें नेचर में मिलेगी। तुम्हें ऑक्सीजन अकेली अगर मिलेगी तो O2 की फॉर्म में मिलेगी, बिकॉज मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एटम कैन नॉट। अगर किसी मॉलिक्यूल किसी और मॉलिक्यूल में ट्रैप्ड होती, जैसे CO2 होती, तो यहां पर हम O2 गैस नहीं लेते, फिर हम यहां पर ऑक्सीजन का एटम लेते। क्यों? क्योंकि ये खुद एक मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल एटम से जुड़ के बनता है, तो यहां पर हम ऑक्सीजन का एटॉमिक फॉर्म लेते। लेकिन ऑक्सीजन गैस की बात उसने कर दी, तो ऑक्सीजन गैस की बात करने का मतलब है कि वो हमसे मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ गैस की बात कर रहा है। वो ये चाहता है कि हम मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ गैस के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना, गैसों में कंफ्यूज मत होना, गैसों में कंफ्यूज मत होना, गैस के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट होता है बहुत ज्यादा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2SO4 विल कंटेन
0.08 मोल ऑक्सीजन एटम्स। ये लो, H2SO4 के कितने मोल्स में 0.08 मोल ऑक्सीजन एटम्स कंटेन होंगे। अभी तक हमने मोल वेट का रिलेशन पे दो तीन क्वेश्चन कर लिए, अब थोड़ा सा चलते हैं, घूमते हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कराया था, ये वाला। तब हम मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल खेल रहे थे, अब हम मोल मोल खेल रहे हैं। तब हम मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल खेल रहे थे, अब हम मोल मोल खेल रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन करने का फंडा वही है, बेसिक वही है, क्वेश्चन करने का फंडा वही है, बेसिक वही है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। बस क्वेश्चन करने में बस क्या हो गया, मॉलिक्यूल की जगह पर मोल आ गया, मॉलिक्यूल की जगह पर मोल आ गया। देखिए, एक मॉलिक्यूल H2SO4 में कितने एटम्स है बच्चों, 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, हाँ या ना, है ना। इस एक्सप्रेशन को दोनों तरफ Na से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा Na मॉलिक्यूल्स H2SO4 के अंदर 4 आना O एटम्स है। कोई समस्या तो नहीं है? नहीं सर, कोई समस्या नहीं। अब जहां पर Na एंटाइटीज उपस्थित होती हैं, Na एंटाइटीज प्रेजेंट होती हैं, उसे हम एक मोल बोल देते हैं। तो Na मॉलिक्यूल H2SO4 है, तो इसे बोल दूंगा एक मोल H2SO4 मॉलिक्यूल कंटेन्स, 4 आने को लिख दूंगा 4 मोल O एटम्स। इसको ड्राइव करने के पीछे ये पर्पस था कि जो रिलेशन विदाउट मोल होल्ड कर रहा है वो मोल्स में भी होल्ड करेगा। तो आगे आने वाले क्वेश्चन में अगर हमें ऐसा कोई क्वेश्चन करने को आया तो हम सीधे सीधे रिलेशन मोल में लिख सकते हैं, क्योंकि जो चीज मॉलिक्यूल्स और एटम्स में थी वो मोल्स के अंदर भी वैलिड है, क्योंकि कुछ किया थोड़ा ना है, केवल एक नंबर से मल्टीप्लाई तो किया है थ्रू आउट, कोई चेंज थोड़ा ना किया है, केवल एक नंबर से मल्टीप्लाई तो किया है, तो यह रिलेशन मोल में भी वैलिड है, हाँ या ना। तो अब बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमें बेसलाइन मिल गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमें क्या मिल गया, बेसलाइन मिल गया। कैसे मिल गया, 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स पाए जाते हैं एक मोल H2SO4 में, हाँ या ना, सही है ना। तो एक मोल पाया जाएगा 1/4 मोल में, हाँ या ना। तो 0.08 मोल पाया जाएगा अच्छे खासे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन चल रहे थे, चलते चलते अभी यहां पर हमने फॉर्मूला लगाया, है ना, फिर फॉर्मूला लगाया, यहां पर फॉर्मूला लगाया, फिर फॉर्मूला लगाया, फिर ये फिर फॉर्मूला लगाया, और अचानक से फॉर्मूला लगाते लगाते मैं सीधे वाले क्वेश्चंस पे आ गया। मैं कहना केवल ये चाहता हूं, समझाना केवल ये चाहता हूं कि भैया ऐसा है, फॉर्मूले याद करके ये मत समझना कि इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं, कॉमन सेंस का क्वेश्चन भी आ सकता है करने को, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, ऐसा क्वेश्चन भी करने को आ जाता है। तो ये नहीं कि तुम इस इंतजार में रहोगे, नहीं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो ही मैं उठाऊंगा, तो ही करूंगा, वरना नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है, है ना। क्वेश्चन सीधा सीधा कॉन्सेप्ट पर भी पूछ सकता है, यहां पर उसने क्या किया, 5वीं क्लास की मैथमेटिक्स ही तो लगवाई है, 4 पेंसिल 1 रुपए की, 0.08 पेंसिल कितने रुपए की, ये तो करवाया उसने, और क्या करवाया बोलो। तो तीनों चीजों का ध्यान रखना है, फॉर्मूला अपनी जगह पर चलेंगे और यूनिटरी मेथड अपनी जगह पर चलेंगे, जो फॉर्मूले बताए हैं वो अपनी जगह काम करेंगे, यूनिटरी मेथड अपनी जगह काम करेगा। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन हम लोग जज करेंगे, क्वेश्चन टू क्वेश्चन देखेंगे और देखेंगे, सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि हम फॉर्मूला लगा पा रहे हैं, लगा पा रहे हैं वेल एंड गुड है, जरूर लगाएंगे, अगर लगा पा रहे हैं वैलेंट गुड है, जरूर लगाएंगे, और अगर नहीं लगा पा रहे हैं, समस्या आ रही है, कुछ कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो नहीं भी लगाएंगे, कोई जरूरी थोड़ा ना फॉर्मूला लगाना, डॉक्टर ने थोड़ा बताया, हमें यूनिटरी मेथड भी आता है, हमें यूनिटरी मेथड भी आता है, डरते थोड़ा ना किसी से हम। एक और देखो,
एक और देखूं, फॉर सेम वेट्स ऑफ ओ टू एच टू एंड सी एच फोर द रेशियो ऑफ देयर मोल्स इज द रेशियो ऑफ देयर मोल्स इज ए 1:2:16 बी 1:16:2 16:1:2 2:1:16 सेम वेट दिए हुए हैं ओ टू के एच टू के और सी एच फोर के, मोल्स का रेशो निकालना है। सेम वेट दिए हुए हैं ओ टू के एच टू के और सी एच फोर के और आपको मोल्स का रेशो निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए ओ टू के मोल को लिख दिया एनओ टू रेशो एन एच टू रेशो एन सी एच फोर, सिंबल होता है छोटा एन, मोल का सिंबल है। वेट दिए हैं तो वेट से हम मोल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वेट अपॉन मोलर मास, वेट अपॉन मोलर मास। अभी मैंने देखो यहां पर ओ टू और एच टू लिख के दे दिया, अभी अगर मैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लिख के देता तो फिर तुम वहीं फंसते जो मैंने बताया था। अगर मैं सिंपली तुम्हें लिख के देता ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो तुम क्या मानते, ओ मानते कि ओ टू, ओ टू मानते, एच मानते कि एच टू, एच टू मानते, ठीक है। वेट अपॉन मोलर मास, वेट अपॉन मोलर मास और वेट अपॉन 12+1×4 16 होता है इसका मोलर मास, ठीक है। वेट बराबर बराबर क्यों लिया, क्वेश्चन में दे रखा है फॉर सेम वेट्स ऑफ ओ टू एच टू एंड सी एच फोर द रेशियो ऑफ देयर मोल्स इज, क्वेश्चन में उसने दे रखा है कि मोल्स को बराबर, वेट को बराबर लेना है। काट दो 1/32, 1/2, 1/16। अब इस टाइप की चीजें सॉल्व कैसे करते हैं, ये तो फंस गया क्योंकि इसमें सब कुछ डिनोमिनेटर में आ रहा है और डिनोमिनेटर में हमारे ऑप्शंस में कुछ है नहीं। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का ले लेते हैं एलसीएम, 16, 2 और 32 का एलसीएम होगा 32 और उस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्रू आउट, उस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्रू आउट। तो ये आ गया निकल के 32/32 32/2, 32/16 क्या आ गया 1:16:2 क्या सही आंसर होगा, 1:16:2 सही आंसर होगा बी ऑप्शन, क्या आंसर होगा बी ऑप्शन, 1:16:2 बी ऑप्शन ये सही जवाब होगा। क्लियर, क्लियर है, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं। एक और करें इसी पर, मोल पर एक और करते, चलो बड़ा प्यारा सा एक क्वेश्चन और लेते। इफ 3×10^20 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 आर रिमूव्ड फ्रॉम 63 mg HNO3 फाइंड नंबर ऑफ रिमेनिंग मोल्स ऑफ HNO3। आपको HNO3 के नंबर ऑफ मोल्स निकालने, ठीक है ना, सब कुछ इसमें एक साथ लगा दिया मैंने, सब कुछ कर दिया, एक वेट दे दिया, एक बार मॉलिक्यूल दे दिया और फिर आपसे मोल निकलवा रहे हैं, ठीक है। आपको इतना वेट दिया हुआ है 63 mg HNO3, इसमें से मैंने इतने मॉलिक्यूल हटा दिए और आपसे मोल पूछे हैं उसमें, ठीक है ना। ये मतलब वही हो गया कि, मतलब वही हो गया कि एक बच्चे से उसके स्कूल में मास्टर जी ने पूछा, बेटा एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास 6 आम है उसमें से तुम 4 अमरूद अपने दोस्त को दे दो तो तुम्हारे पास क्या बचेगा। वो बोला सर मेरे पास 3 संतरे बचेंगे। सर बोले अरे वाह तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज है, कैसे। बोला सर क्योंकि मैं डेली गोभी की सब्जी खाता हूं इसलिए मेरा दिमाग बहुत तेज है।
सब मिला दिया इसमें मैंने, मॉलिक्यूल भी मिला दिया, वेट भी मिला दिया, सब मिला दिया है ना, सब मिला दिया, मॉलिक्यूल भी इसी में, वेट भी इसी में, मोल भी इसी में, मॉलिक्यूल भी इसी में। हमसे मोल पूछे, बॉटम लाइन ये है कि हमसे उसने मोल पूछे, तो मैं पूरी की पूरी कहानी को मोल में कन्वर्ट कर लूंगा, क्योंकि उसने हमसे मोल पूछे, तो व्हाट विल आई डू, आई विल कन्वर्ट द होल स्टोरी इनटू द मोल्स। व्हाट विल आई डू, आई विल कन्वर्ट द होल स्टोरी इनटू द मोल्स, मैं इसको मोल्स में कन्वर्ट कर दूंगा। व्हाट विल आई डू, आई विल कन्वर्ट द होल स्टोरी इनटू मोल्स, मैं इसे मोल्स में कन्वर्ट कर दूंगा। ओके, सबसे पहले तो निकालूंगा मैं मोलर मास ऑफ HNO3, मोलर मास ऑफ HNO3। मोलर मास का मतलब क्या होता है जी, क्या होता है मोलर मास का मतलब, एक मोल का मास, एक मोल का मास। इस एक मोल के मास को अगर एटम्स हैं तो आप ग्राम को बोल सकते हैं, और अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास को बोल सकते हैं। मोलर मास ऑफ HNO3 मतलब एक मोल HNO3 का मास कितना होगा, H का एक, N का 14, ऑक्सीजन का 16, ये आएगा 63 ग्राम। एक मोल का मास तो ग्राम में ही आएगा ना बच्चों, एक मोल का मास तो ग्राम में ही आएगा ना बच्चों। तो अगर एटम्स के केस में चल रहे हैं, हम एटम्स से डील कर रहे हैं, तो ग्राम एटॉमिक मास को, ये रहा, आप एटम्स के केस में चल रहे हैं तो ग्राम एटॉमिक मास को मोलर मास बोल सकते हैं, और अगर मॉलिक्यूल से डील कर रहे हैं बच्चों तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास को मोलर मास बोल सकते हैं। तो मोलर मास देख के घबराइएगा मत कि ये सर ने क्या नई चीज लिख दी, मोलर मास का मतलब मास ऑफ वन मोल, ठीक है, मास ऑफ वन मोल। वैसे आप घबराने वाले बच्चे हैं नहीं, मैं जानता हूं आपको, आप लोग काफी मतलब होशियार टैलेंटेड टाइप के बच्चे हैं, काफी आप घबराते वबराते नहीं है, ठीक है ना, आप टेंशन लेते नहीं, आप टेंशन देते हैं, है ना, है ना ऐसा, तो आप घबराते वबराते नहीं, डरने वाले बच्चे नहीं हैं, मैं जानता हूं आपको, इसलिए डरने की जरूरत नहीं। मैं भी किसी से नहीं डरता, है ना, मैं भी किसी से नहीं डरता, मैं डरता नहीं किसी मंजर से, मैं डरता नहीं हूं किसी मंजर से, याद रखना, सच्चाई बता रहा हूं, मैं डरता नहीं हूं किसी मंजर से, पीठ खुजाता हूं खंजर से। पूरे के पूरे क्वेश्चन को मोल में कन्वर्ट कर रहे हैं, मोल्स ऑफ HNO3 गिवन वेट मिलीग्राम में, ग्राम में चेंज कर लो, अपॉन मोलर मास, यह आ गया 10^-3 मोल। अब 10^-3 को बोलते हैं मिली, तो इसकी जगह लिख सकता हूं एक मिली मोल। ये वो प्रीफिक्स वाली टेबल से आया, तुमने 2x पर देख के निकाल दी थी ना, लेजेंड्स वर वॉचिंग द लेक्चर ऑन 2x, तो जो लेजेंड ने निकाल दी थी ना वो टेबल, फटाफट भगा दी थी, वहां से आया ये 10^-3 को मिली बोलते हैं, तो एक मिली मोल हो गया, ये एक मिली मोल है मौजूद आपके पास, ठीक है ना। रिमूव्ड मॉलिक्यूल्स कितने हैं, रिमूव्ड मॉलिक्यूल्स हैं 3×10^20, तो इसे भी मोल में कन्वर्ट कर लो। मॉलिक्यूल दिए हैं, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, 3 है, कैलकुलेशन की आसानी के लिए 6 ले लेना, नीचे आसान हो जाएगी कैलकुलेशन, वरना फिर टाइम लगेगा। यह आएगा 0.5×10^-3 मोल, 0.5 को अपनी जगह पर रहने दो, 10^3 को रहने दो, इसको बोल दो मिली मोल। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया, क्वेश्चन ही कह रहा है तुम्हारे पास एक मिली मोल HNO3 था, तुम्हारे पास एक मिली मोल HNO3 था, एक मिली मोल HNO3 हमारे पास था, ठीक है, और उसमें से 0.5 मिलीमोल हटा दिया, एक मिलीमोल था उसमें से 0.5 मिलीमोल हटा दिया, तो रिमेनिंग मिलीमोल कितने बचे, एक था 0.5 हटा दिया, यह आएगा बच्चों 0.5 मिलीमोल, आंसर आएगा बच्चों 0.5 मिलीमोल, ठीक है ना, तो 0.5 मिलीमोल HNO3 बचेगा, बाकी साफ हो जाएगा, 0.5 मिलीमोल HNO3 बचेगा, बाकी क्या हो जाएगा, बाकी हट जाएगा, साफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका, पूरे क्वेश्चन को मोल में ले आया मैं। यहां से मोल निकाले, ये वो मोल थे जो लिए थे, ये वो मोल थे जो हट गए, जो बच गए, जो लिए थे माइनस जो हट गए, वो हमारा आंसर हो गया 0.5 × 10⁻³ मोल, या फिर 5 × 10⁴ मोल। इतना HNO3 बच जाएगा, इतना HNO3 बच जाएगा। ठीक है, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ होनी तो नहीं चाहिए वैसे। तो ये तो कहानी हुई हमारी मोल्स की, मोल्स रिलेटेड क्वेश्चंस की। ये सारी की सारी कहानी कन्वर्ट हो गई, ये सारी की सारी कहानी हम लोगों ने पढ़ ली। अब हम बात करेंगे मोल निकालने के और कुछ थोड़े से क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने मोल की कहानी कर ली है, अभी तक एटम्स और मॉलिक्यूल्स पे चल रहे थे। याद है मैंने आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन सिखाई थी लेक्चर नंबर 2 में, पिछले लेक्चर में आपको मैंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन सिखाई थी। तो एक क्वेश्चन वैसे ही लेने जा रहा हूं मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। 16 ग्राम फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन 16 ग्राम ओ एटम्स। ऑक्सीजन के 16 ग्राम एटम्स के अंदर 16 ग्राम ओ एटम्स के अंदर आपको निकालनी है, 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स आपके पास मौजूद हैं, जिसमें से आपको निकालनी है, क्या निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, प्रोटॉन निकालने हैं, और क्या निकालने हैं, न्यूट्रॉन निकालने हैं। ठीक, 16 ग्राम ऑक्सीजन के एटम्स आपके पास मौजूद हैं, ऑक्सीजन के एटम्स हैं और 16 ग्राम का वजन आपको उसने दे रखा है। ध्यान दीजिएगा, ये 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स हैं, 16 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन नहीं है। दो बातों में अंतर है, मैं लिखूं 1 ग्राम ओ एटम या मैं लिखूं 1 ग्राम एटम ऑफ ओ, इन दोनों बातों में अंतर है। इस बात का मतलब है कि 1 ग्राम ऑक्सीजन दी हुई है और इसके मोल अगर निकालूंगा तो 16 से डिवाइड करूंगा, और 1 ग्राम एटम का मतलब है 1 मोल ओ दी हुई है ना। तो इस बात का ध्यान रखना कि आपने तो कहा था सर कि ग्राम एटम है, तो इसलिए मैंने बता दिया कि इट इज नॉट व्हाट, इट इज नॉट 16 ग्राम एटम्स, इट इज 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स। मतलब ऑक्सीजन के एटम्स हैं जो 16 ग्राम में हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो मोल निकाल लो, मोल ऑफ ओ एटम्स, कितने मोल होंगे ओ एटम्स के, दिया गया वेट अपॉन मोलर मास, 1 मोल होगा। ऑक्सीजन एटम कितने मोल होंगे बच्चों, 1 मोल होगा। ठीक है, अब आ जाओ, ऑक्सीजन में क्या होता है, सिंबल HNO16, प्रोटॉन कितने होते हैं इसमें, 8, इलेक्ट्रॉन भी 8 और न्यूट्रॉन 8। ठीक है, यही तो होता है, ये एक एटम की पिक्चर है, एक एटम की पिक्चर है। तो वन एटम ऑक्सीजन कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, सही लिखा है, इसे Na से मल्टीप्लाई कर दो, फिर देखो जादू, इसे Na से मल्टीप्लाई कर दो फिर देखो जादू। Na एटम्स ऑक्सीजन कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन, कैपिटल एन से शो कर रहे हैं न्यूट्रॉन को ना, न्यूट्रॉन। ठीक है, जहां जहां एने लग जाता है उसकी जगह मोल लिख देते हैं, एने एटम्स की जगह लिख सकता हूं 1 मोल, कंटेन 8 आना, आना की जगह लिख दिया मोल, 8 अपनी जगह पर, 8 मोल इलेक्ट्रॉन, 8 मोल प्रोटॉन, 8 मोल न्यूट्रॉन। देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया,
क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो एक मोल एटम्स थे, एक मोल में 8 मोल इलेक्ट्रॉन, 8 मोल प्रोटॉन, 8 मोल न्यूट्रॉन। सिंपल। कहने का मतलब कि जो चीज एटम्स पे लागू होगी वो मोल्स पर भी लागू होगी, केवल मोल लगता चला जाएगा। भाई जो रिलेशन यहां पर किसमें था, एक एटम के अंदर था, वही रिलेशन देखो मोल में भी निकल के आया, केवल मोल लगता चला गया। तो जो चीज एक मोल के अंदर, जो चीज एक एटम के अंदर वैलिड है वो एक मोल के लिए भी वैलिड है। एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन, इसमें 8 मोल इलेक्ट्रॉन, 8 मोल प्रोटॉन, 8 मोल न्यूट्रॉन। सिंपल सिंपल, खत्म हो गया क्वेश्चन। हो गया ना खत्म क्वेश्चन। आसान सा था। अभी थैंक यू नहीं हुआ है, एक स्लाइड और है, एक क्वेश्चन और करेंगे। Which of the following contains maximum O atoms? इनमें से O atoms, ऑक्सीजन atoms की संख्या सबसे ज्यादा कहां है? A 1 ग्राम ऑक्सीजन, B 1 ग्राम O2, सी 1 ग्राम O3 और डी इक्वल इन ऑल। ठीक है ना, 1 ग्राम O, 1 ग्राम O2 और 1 ग्राम O3 में हमें एटम्स निकालने हैं। क्या निकालने? एटम्स। और पूछा है हमसे कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के एटम्स कहां हैं, किस ऑप्शन में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के एटम्स मौजूद हैं, ये हमसे क्वेश्चन में वो पूछ रहा है। ठीक है, वेट दिया है, पार्टिकल्स में जाना है, वेट दिया है और पार्टिकल्स में जाना है। और जब वेट दिया हो और पार्टिकल्स में जाना हो तो रास्ता कहां से होकर जाता है? मोल से होकर जाता है। ठीक है, तो हमें पहले निकालने पड़ेंगे मोल्स। क्या निकालने पड़ेंगे बच्चों? मोल्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है ना, मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो आइए इसके मोल निकालें। ये ऑक्सीजन है तो इसके मोल होंगे 1/16, वेट अपॉन मोलर मास इसका 16 है, 1/16। इनके मोल कितने होंगे? 1/32। ठीक है, और इनके मोल कितने होंगे? 1/48, 16 × 3। ये वाले मोल ऑक्सीजन एटम्स के होंगे डायरेक्टली, क्योंकि ऑक्सीजन एटम लिया गया है। ये वाले मोल किसके होंगे? ये O2 के होंगे और ये किसके होंगे? O3 के होंगे। सही है, ये किसके होंगे? ये O3 के होंगे, क्योंकि डाटा O3 का दिया है। क्लियर है? अरे क्लियर है, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, क्लियर है ना, बहुत खुशी की बात है। अब क्या करें, हमें ऑक्सीजन एटम निकालना है। एटम ये तो ये सीधे एटम है, इसमें एक मॉलिक्यूल में दो एटम है, एक मॉलिक्यूल में दो एटम है। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या ये सीधे सीधे ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा? कुछ लोग गाड़ी भटक गई। ये क्या किया सर आपने? अरे एक O2 का मतलब 2 O एटम्स है कि नहीं है? है ना, तो इसी बात का यूज किया है। 1/32 O2 का क्या मतलब है? ट्रेन जा रही थी एक बार, एक ट्रेन पटरी पर जा रही थी आराम से, फुल स्पीड में बढ़िया चल रही थी। अचानक ट्रेन पटरी से उतर गई, खेतों की तरफ भागने लगी। खैर एक्सीडेंट हुआ लेकिन कोई मारा नहीं गया। इंक्वायरी बैठी तो ड्राइवर की पेशी हुई इंक्वायरी कमीशन के सामने। ड्राइवर से पूछा गया, ये क्या चक्कर है भाई, आपने ट्रेन ये पटरी में कैसे उतार दी, खेतों में उतार दी, कैसे है? सालों से आप ट्रेन चला रहे हैं, आपको ट्रेन चलाना नहीं समझ में आया? तो वो बोला, अरे ट्रेन चलाना आता है सर,
मैं तो आराम से जा रहा था, सामने पटरी पे कुत्ता आ गया। तो बोला आपने, कमीशन वाला एक ऑफिसर बोला, बोला आपने एक कुत्ते के लिए इतने सारे लोगों की जान दांव पे लगा दी, ट्रेन को कुत्ते पे चढ़ा देते। ड्राइवर बोला सर वही करने गया था मैं, वो सारा उतर के खेत में भाग गया, कुत्ता उतर के खेत में भाग गया। तो गाड़ी को पटरी पे लाए दोबारा से। ये कितना आ जाएगा, 1/16 मोल ओ एटम्स, ठीक है। अब इसमें तीन ओ के एटम्स हैं और मेरे पास ओ थ्री के मोल हैं, तो अगर मैं ओ थ्री को तीन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये ओ एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा बाय द सेम लॉजिक। वन बाई सिक्सटीन मोल ओ एटम्स, इसमें भी 1/16 आ रहा है, इसमें भी 1/16 आ रहा है, उसमें तो 1/16 है ही सही। तो सही आंसर होगा ऑल हैव इक्वल, सबके अंदर जो मोल्स होंगे वो कितने होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। सबके अंदर जो मोल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ऑल ऑफ देम विल हैव इक्वल मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, क्लियर है। सबके अंदर क्या होंगे, इक्वल मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होंगे, क्लियर है, ठीक है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी करने को आता है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंपेयर करने को खूब सारे आते हैं, जहां पर वो हमसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंपेयर करवाता है, किसके अंदर एटम्स ज्यादा हैं, किसके अंदर मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस भी हमसे वो खूब करवाता है। क्लियर है ना मेरी बात। चलिए फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन 34 ग्राम अमोनिया मॉलिक्यूल। 34 ग्राम अमोनिया मॉलिक्यूल्स में आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जैसा क्वेश्चन हमने अभी एटम्स के लिए किया था एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन हम लोग मॉलिक्यूल्स के लिए भी एक सॉल्व करेंगे, मॉलिक्यूल्स के लिए भी हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया में क्या क्या होता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया में क्या क्या होता है, सर मिटा क्यों दिया, अच्छा नहीं लग रहा था, दोबारा से अच्छा नहीं लिखा गया, अच्छे से लिखेंगे थोड़ा सा ना। एक मॉलिक्यूल अमोनिया बच्चों क्या क्या होता है, एक मॉलिक्यूल बच्चों दो चीजें होती हैं अमोनिया के, एक तो होता है नाइट्रोजन का एटम, मतलब 7N14, और तीन हुआ करें बच्चों हाइड्रोजन के एटम, वन एच वन, ठीक है भाई। इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, प्रोटॉन 7, न्यूट्रॉन भी 7, निकाल चुके हैं पहले लेक्चर में निकाला था। इसमें इलेक्ट्रॉन हुआ करें 1, प्रोटॉन हुआ करें 1, न्यूट्रॉन हुआ करें 0, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया का देख लो हिसाब किताब, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7 इसके, 1×3, 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, 3H के एटम है, 10 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 7 इसके, 1×3, 10 प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन 7 इसके, और इनका कुछ नहीं 0, क्योंकि न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है, 7 न्यूट्रॉन। ये एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया की कहानी निकल आई, ये एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया की कहानी निकल आई। और अब आप ये बात जानते हैं कि जो कहानी एक मॉलिक्यूल में चलेगी वो कहानी एक मोल में भी चलेगी। तो एक मोल ऑफ अमोनिया में क्या क्या होगा, एक मोल अमोनिया में होगा 10 मोल इलेक्ट्रॉन, 10 मोल प्रोटॉन और 7 मोल न्यूट्रॉन, 7 मोल न्यूट्रॉन, ठीक है ना बच्चों। आपको बेटा मोल्स ऑफ अमोनिया दिए कितने हैं, मास बटे मोलर मास 34/17, 2 मोल, तो एक मोल का रिलेशन तुम्हें मालूम है, 2 मोल का निकाल सकते हो, वही तुम्हारा आंसर होगा। 2 मोल अमोनिया में, 1 में 10 है, 2 में इलेक्ट्रॉन होंगे 20 मोल, प्रोटॉन होंगे 20 मोल और न्यूट्रॉन होंगे 14 मोल, ठीक है ना। यह आपका आंसर आ गया, यह आपका आंसर आ गया।
तो आपने क्या किया, पहले एक मॉलिक्यूल के लिए एनालाइज किया, फिर उस चीज को आप लोग मोल में ले गए, और फिर आपने जो गिवन मोल था उसके लिए रिलेशन लगा दिया, सिंपल सॉल्व हो गया। ठीक है, कई बार आपको क्वेश्चन, क्योंकि मैं लिख रहा हूं, लिख लिख के समझा रहा हूं, हो सकता है आपको लेंदी लग रहा हो, क्वेश्चन लेंदी बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन लेंदी बिल्कुल नहीं है, और जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप ये चीजें वर्बली कर पाएंगे। जब आप 10-15 क्वेश्चन एक ही पैटर्न की प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें वर्बली कर पाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखने में लेंदी लग सकते हैं, लेकिन ये लेंदी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि अभी हमारा साथ नया नया है, तो मैं थोड़ा लिख लिख के सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा आपको समझा के सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, टिप्स पर आने लगेंगी, और तब आपको लगेगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन तो बिल्कुल हल्के हल्के छोटे छोटे से हैं। तो इसी के साथ मैं आज के लेक्चर को समाप्त करता हूँ। आज हमने मोल रिलेटेड कैलकुलेशंस को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा एक पैटर्न ऑफ कैलकुलेशंस हो गया है, मोल रिलेटेड पैटर्न ऑफ कैलकुलेशंस हमने कर लिया दो फॉर्मूलों पर बेस। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा आइडियल गैस इक्वेशन पर रिलेटेड क्वेश्चंस, जो गैसियस के लिए हम लगाते हैं, वेपर डेंसिटी जो गैसेस के लिए लगाते हैं वो वाला कॉन्सेप्ट, प्लस वेपर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट, ये वाले कॉन्सेप्ट, और हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फॉर्मूला की, मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फॉर्मूला की। ठीक है ना, तो हमेशा की तरह मैं फिर यही बोलूंगा कि पढ़ते रहिए प्यार से, पढ़ते रहिए प्यार से, और फोड़ते रहिए रफ्तार से, फोड़ते रहिए रफ्तार से, और रफ्तार बना के रखिएगा, रफ्तार बना के रखिएगा। रफ्तार के बारे में सबसे खास बात यह है कि रफ्तार शुरू में तो मेंटेन होती है, जोश और रफ्तार शुरू में मेंटेन होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है, उसे कम मत होने देना बस। ठीक है ना, उसे कम मत होने देना, दिल में अपने जुनून की चिंगारी जलाए रखना, दिल में जुनून की चिंगारी जलाए रखना, चिंगारी को बुझने मत देना। ठीक है, तो कल मिलेंगे आपसे, अगली क्लास में होगी मुलाकात। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।